वेलकम, कैसे है मेरी यूट्यूब फैमिली। इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। तो इतने दिनों से मेरा व्लॉग नहीं आया, मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। 2 वीक पहले काफ़ी मेडिसिन वगैरह खाई तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, डॉक्टर ने एंटीबायोटिक दी, लेकिन अचानक मेरी ब्रीथ प्रॉब्लम हो गई, फिर मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। उन्होंने ड्रिप, एक्सरे, जीसी, एवरीथिंग किया, तो नमोनिया का जैसे ना प्रॉब्लम वो हो गया था, टेम्परेचर ही नहीं कम हो रहा था। तो देखो मैं प्लेन सी दाल बनाई, कुछ नहीं, 2 वीक तो मैंने बनाया। हस्बैंड बाहर से ले आते थे कुछ ना कुछ, जा मेरे फैमिली वाले, मैं मेरी बहुत दुखत की माशाल्लाह। तो बस ना दवा कीजिए या मेरी तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए। तो जो मैं सिंपल सी दाल बना रही थी, नमक मिर्च हल्दी डल, डाल दी थी, और फिर मैं साथ साथ दूसरे काम भी कर रही थी। तो दाल में भी पकने लग पड़ी है, तो साथ मैंने राइस बॉइल किए थे, पतली सी दाल बनाई थी, ताकि राइस के ऊपर डाल के ना फिर खा सकें। और खांसी भी इतनी ज़्यादा आई थी, बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो खांसी अभी भी नहीं ठीक हुई, गला भी काफ़ी ख़राब है। तो मैंने सोचा इस वजह से वीडियो नहीं बनाई, आज मैंने सोचा कि मैं वीडियो एडिट कर लूँ, जो क्लिप बनाई थी इतने दिनों की, वो भी मैं बना लेती हूँ लगा आपकी। तो अगर वो बता दूँ इसलिए मेरे ब्लॉग नहीं आए, तो इंशाल्लाह दुआ करें मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ। तो इंशाल्लाह नाइस नाइस कुकिंग होगी। अब दाल पकने लग पड़ी है, तो बस रेडी होने वाली है। तो फिर मैंने साथ ही थोड़ा सा फ्रूट कट किया, एप्पल और प्लम, मैंने सोचा ये खा के देखती हूँ। ऊपर सॉल्ट डाला था, फिर हस्बैंड ने जो पिज़्ज़ा लेके आए थे वो ही ओवन में बना के बच्चों को दिया, खुद खाया। तो ऐसे दिल नहीं कर रहा था कुछ भी खाने को, कुछ भी नहीं मैंने खाया। तो ये कावा साथ बनाया था मैंने, और साथ मैंने आज सोचा पराठा बना लेती हूँ, सिंपल सा पटा लगा के थोड़ा सा, तो प्लेन सा जैसे पराठा वैसे मैंने बनाया, ज़्यादा हेवी हेवी थी। साथ में मुझसे पराठे के साथ मैंने चार लिया, अचार खाया, तो मैंने सोचा टेस्ट पीने को, पानी और चाय को तो दिल ही नहीं कर रहा पीने को। फिर मैंने दूध में टी बैग डाल के वो ही पिया पराठे के साथ, पानी और मुंह का टेस्ट इतना बैड है कि कुछ भी नहीं खाया जाता, पिया जाता। तो फिर मैंने 7-Up वगैरह में सॉल्ट डाल के वो ही पी रही हूँ। मेडिसिन भी खानी हो तो पानी इतना कड़वा लगता है ना, पीने को दिल नहीं करता। तो बस आज छोटा सा ये था व्लॉग, तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर लूँ। तो दुआ करें इंशाल्लाह जल्दी से ठीक हो जाऊं, तो इंशाल्लाह फिर न्यू व्लॉग आएंगे। तो ये मैंने आम का अचार साथ रखा था, साथ मैंने ऐसे चाहे टी बैग डाल के ना ऐसे बना ली। तो ये थोड़ी थोड़ी पी है, अब थोड़ा थोड़ा खा पी रही हूँ, वरना इतने दिन कुछ नहीं खा हुआ इतने दिन।